हाय एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज डॉक्टर निकिता सलानी. आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज मैं अर्टिकेरिया, नाटल रश, हाइप्स या शीत पित्त के बारे में चर्चा करूंगी. ये क्या होता है, किन कारणों से होता है और इसकी क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं. चलिए शुरू करते हैं. अर्टिकेरिया जो सर्टेन सब्सटेंसेस सराउंडिंग्स में रहते हैं या थिंग्स रहती हैं, उनकी हमारे इम्यून सिस्टम में एलर्जिक रिएक्शंस होती है. जैसे पोलन ग्रेन्स हुई, पोलन्स की फूलों की खुशबू या परफ्यूम्स वगैरह, ये बॉडी में हमारे रिएक्शंस करता है. ये रिएक्शंस इम्यून सिस्टम पे जाकर ब्लड में हिस्टामिन नाम की प्रोटीन रिलीज करते हैं, जो प्रोटीन एक बॉडी में टिनी कॉर्पसल्स रहती है जिसको हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं. उस कॉर्पसल्स में फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूड इकट्ठा हो जाता है. वही फ्लूड इकट्ठा जब इंटरनली हो जाता है तो स्किन पे ऊपर ब्लॉचेस, रेड रेसेस और इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम व्हील कहते हैं. ये मोस्टली पर ईयर 20 मिलियन परसेंट में देखा जाता है. ये कंटेजियस नहीं है, मींस किसी टच करने से, छूने से फैलती नहीं है. अब बात कर लेते हैं हम कॉजेस की, मींस क्या क्या कारण है इसके. जैसा कि मैंने बताया कि एलर्जेंस बॉडी में जब रिएक्ट करते हैं तब प्रोटीन, हिस्टामिन या अदर केमिकल्स ब्लड में रिलीज होते हैं और वो फ्लूड एक्युमुलेशन कर देते हैं. सर्टेन एंटीबायोटिक्स रहती हैं, स्टीरॉइड्स रहते हैं, या आप जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो टैबलेट्स लेते हैं लॉन्ग टाइम से, उससे भी अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे यूटीआई हुई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या आपके थ्रोट में यहाँ पे इन्फेक्शन है, उससे भी प्रॉब्लम होती है. एक्सट्रीम चेंजेस वेदर का, मौसम में कभी चेंज होता है, कभी मौसम ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, या कचड़े में डस्टिंग, जो फीमेल्स जो डस्टिंग करती हैं उनको डस्ट से एलर्जी होती है और शीत पित्त होने लगता है, या परफ्यूम्स की स्मेल से इंसेक्ट जो बाइट करता है उससे नेडल रैश हो जाता है. क्रोनिक इलनेस जैसे थायराइड में भी ये कभी कभी अर्टिकेरिया देखने को मिला है. सनलाइट के एक्सपोजर, ज्यादा एक्सपोजर सनलाइट में, जाते हम कमरे से, एसी के रूम से आप एक्सपोजर में बाहर जाएंगे तो सडनली बॉडी पर ब्लॉचेस हो जाते हैं, रेडनेस होने लगती है और इचिंग होने लगती है, या आप गीले कपड़े वेयर करते हैं तो उससे बॉडी पर रेसेस होने लगती है. जब स्क्रैच करते हैं, जनरली जो नॉर्मल स्किन है उस पर आप स्क्रैच करेंगे तो स्किन में को किसी भी टाइप की स्वेलिंग नहीं आएगी. अगर आपके बॉडी में अर्टिकेरिया है, आप थोड़ा सा भी स्क्रैच करेंगे तो एक लाइन उभर के ऊपर आपको दिखने लगेगी, या हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम होने लगती है. क्रोनिक अर्टिकेरिया में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज रहते हैं, बट ये क्लियर नहीं है, ये अनक्लियर कंडीशन है कि ऐसा क्यों रहता है. ऑटो इम्यून सिस्टम क्यों रिस्पॉन्सिबल है क्रोनिक अर्टिकेरिया के लिए. अब बात कर लेते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की. होम्योपैथिक क्या क्या इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है. फर्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स. रस्टॉक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है अर्टिकेरिया के लिए. जब पेशेंट बारिश में भींग जाता है या ठंड के एक्सपोजर में ज्यादा आता है तो उसकी स्किन में रैसेस हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन में और जलन होने लगती है उसमें. किसी भी प्रकार की गर्माहट से उसको आराम मिलता है और ठंडक से उसको कंप्लेंट्स और ज्यादा बढ़ती है.
इस तरह की कंडीशंस में रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आपको लेना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस से जैसा कि नाम से लगता है अर्टिका, तो ये मेडिसिन एक प्लांट से बनती है जिस प्लांट का नाम है नेटल रेस या बर्निंग स्टिंजिंग। इसमें कोल्ड एयर से एक्सपोज करने से बहुत ज्यादा इसको प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, पानी में भींगता है तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब कंडीशन 1 साल बाद ठीक होने के बाद रिपीट होती है, रिलैप्सिंग कंडीशन होती है, तब उन केसेस में अर्टिका यूरेंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। स्क्रैचिंग करने पर बहुत ज्यादा इचिंग होती है और जलन होती है, उसके लिए अर्टिका यूरेंस आपको दिन में 3 बार लेना है। ड्रॉप फॉर्म में लेते हैं लिक्विड में, तो आपको 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना है। ग्लोबुल्स में लेते हैं आप तो 6-6 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार यूज करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका मेडिसिन में जब ये स्पॉट्स होते हैं बॉडी में तो रोज लाइक रहते हैं, मीन्स गुलाब के फूल की तरह होते हैं। उसमें बहुत ज्यादा चुभन होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ कोई कांटा चुबा रहा हो, जलन होगी साथ में, और उसकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होगी वो टच ही नहीं कर पाएगा। ईडिमा सूजा सूजा सा उसका मुंह रहेगा, पूरी बॉडी में पफिनेस हो जाएगी उसके। अर्टिकेरिया में हीट से उसको गर्माहट से आराम मिलता है और ठंडक से उसको प्रॉब्लम और बढ़ती है। इस कंडीशन में आपको एपिस मेलिफिका लेना है। साथ में एपिस में यूरिन इन्फेक्शन भी रहेगा। यूरिन इन्फेक्शन में मेनली एल्बुमिनेरिया रहेगा, उसकी कास्ट सेल्स निकलेंगे, मीन्स पस सेल्स, एपिथेलियल कास्ट सेल्स यूरिन में भर जाते हैं। यूरिन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पेशाब में जलन होगी। ये सभी सिम्टम्स के साथ आपको एपिस मेलिफिका लेना है दिन में 2 बार। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम मेडिसिन जब ये एलर्जिक कंडीशन होती है, कंटिन्यू रहती रहती है, तो हमारा जो हम थक जाते हैं, फीवर सा बॉडी में ऐसा फील होने लगता है कि हमें फीवर आ गया है, परफ्यूम वगैरह की स्मेल से ऐसा लगने लगता है, नाक नाक बंद हो जाती है, चौक होने लगती है, तो बॉडी में हिस्टामिन रिलीज हो जाते हैं। उस कंडीशन में हम हिस्टामिनम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेंगे। डाइल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो आप 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालेंगे, और ग्लोबिस फॉर्म में लेते हैं तो 6-6 ग्लोबिस दिन में 2 बार। ठीक है, लास्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम एक कॉमन सॉल्ट से बनती है जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। उसके लिए जब क्रोनिक अर्टिकेरिया रहता है लॉन्ग टर्म तक, उसमें नेट्रम म्यूरेटिकम यूज की जाती है। फिजिकल एक्सरसाइज से जिन लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद स्पेशली अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, उन्हें नेट्रम म्यूरेटिकम 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। ठीक है, एक्यूट अर्टिकेरिया तब कहते हैं 6 वीक्स से कम आपको शीत पित्त की प्रॉब्लम है, एक्यूट हो जाता है। अगर इससे एक्सटेंड ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है देन वी कॉल क्रोनिक अर्टिकेरिया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।